फाइनली गाइज, ओला एस टू प्रो इज डाउन द लाइन इनटू द लॉन्च। ये भी स्कूटर आपको नेक्स्ट वीक इंडियन मार्केट में लॉन्च होते मिलेगी, काफी सारे नए फीचर के साथ में। वेल, इस चीज की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि कुछ रिलायबल सोर्सेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि एक स्कूटर नेक्स्ट मंथ से यूजर्स को डिलीवर की जाएगी। इन डिजाइन स्ट्रक्चर को अगर आप नोटिस कर पाओ तो स्कूटर आपको टोटली यूनिक लुक के साथ ऑफर की जाती है। इस बार ये स्पोर्टी लुकिंग ईवी स्कूटर होगी जो कि स्पेशली यंगस्टर्स को टारगेट कर दिया है। नाउ डिजाइन स्ट्रक्चर में यदि आप देख पाओ, फ्रंट साइड में एलईडी डीआरएल लाइट्स दिखाई देते हैं। स्कूटर 100% एलईडी लाइट्स के साथ आएगी विद द कॉम्बी डुअल ब्रेकिंग सिस्टम। अलॉय व्हील्स काफी बड़े हैं, फुटेज भी काफी बड़ा होने वाला है, सीट काफी वाइडर एंड स्मूथ होने वाली है। अंडर द सीट गाइस आपको 30 लीटर का बूट बेस दिखाई देता है और साथ में डुअल स्वैपिंग बैटरीज होने वाली है। देखा जाए तो ये 5.4 किलोवाट की डुअल बैटरीज होगी जिनको आप किसी भी यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन पे जाके इजीली स्वैप कर सकते हो या मे बी अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी से विद इन 3 hours 100% तक चार्ज कर पाओगे। देखा जाए तो ये लिथियम आयन बैटरीज होगी जिनकी लाइफ लगभग 5 से 7 सालों तक की होने वाली है। नाउ इन सिंगल चार्ज ये भी स्कूटर आपको लगभग 350 किलोमीटर तक की IDC रेंज ऑफर करने वाली है। स्पोर्ट मोड में स्कूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, बट नॉर्मल मोड में अगर आप स्कूटर को चलाओगे तो डेफिनेटली ये आपको 320 से 350 किलोमीटर तक की IDC रेंज डेफिनेटली ऑफर करने वाली है। ये एक अच्छी चीज है उन यूजर्स के लिए जो कि इस प्राइस पॉइंट पर ये एक ऐसा ही स्कूटर परचेस करने के बारे में सोच रहे थे जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक के आसपास हो। हाउएवर, स्कूटर में इनबिल्ट एडवांस लेवल जनरेशन 5 स्कूटर मोटर स्कूटर को पावर जनरेट करने में हेल्प करती है। स्कूटर का टॉर्क लगभग 50 Nm एंडी व्हील होगा। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूटर का एक्सेलरेशन 0 to 40 विद इन 3.3 सेकंड का ही होने वाला है एंड टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर की होगी। ओला एस टू प्रो आपको 4 नए कलर वेरियंट के साथ ऑफर की जाने वाली है। नाउ ओला एस टू प्रो आपको कुछ नए स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च होते मिलेंगे विद द लेटेस्ट MOVOS अपडेट। देखा जाए तो स्कूटर में वाईफाई, ब्लूटूथ और हेड टू हेड नेविगेशन सिस्टम होगा जिसके हेल्प से स्कूटर को आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल या मॉनिटर कर पाओगे। साथ ही में 8.3 इंचेस का बड़ा TFT टच स्क्रीन कलर OLED डिस्प्ले पैनल दिखाई देगा जिस पर आप स्कूटर से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हो। वे इन काफी सारे कमाल के फीचर के साथ में स्कूटर की प्राइसिंग एग्जैक्टली 72,000 रुपीज के आसपास होने वाली है। सो किस तरह से आप इस स्कूटर को बुक कर सकते हो और ओला के अपकमिंग प्लान्स क्या है स्कूटर्स को लेकर, क्यों ना हम नेक्स्ट में डिस्कस करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।